से स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाराष्ट्र पिजन्स में। मैं आपका दोस्त प्रशांत सूर्यवंशी गुलजमान खान के साथ। तो दोस्तों आज हम आए ऐसे सोलापुर के बड़े कबूतरबाज, बहुत ही पुराने कबूतरबाज जय सिंह शिव सिंह वाले। तो चलो चलते हैं उनके साथ बात करते हैं, उनके कबूतरों का भी शौक करते हैं। और जय सिंह भाई क्या चल रहा है? आराम चल रहा है सब? और कबूतरों का शौक कैसे चल रहा है? ठीक है, अच्छे से। कौन से नस्ल के कबूतर है जय सिंह भाई? हमारे कहने कैमूतर है, सादे है। हाँ, दो नस्ल है। तो चलो चलते हैं उन कबूतरों का भी शौक करते हैं। जय सिंह भाई के कबूतरों का शौक करते हैं, उनके लॉक का भी शौक करते हैं। और जय सिंह भाई ये पूछने का रहेगा था, ये आपने जो मेडल्स पहने ये अभी गले में देख रहे व्यूअर्स भी मेडल, ये कौन से टूर्नामेंट के मेडल्स है जय सिंह भाई? ये लॉकडाउन पड़ने से पहले के ही, अभी हाल ही में हुए सो 2019 में। ये आपके कबूतर ये उसमें टूर्नामेंट में फर्स्ट नंबर आए थे क्या? फर्स्ट नंबर आया था। बहुत ही अच्छा। 1:17 कबूतर 40,000 रुपये का प्राइस रखे थे। 45,000। हाँ, और उसके अंदर अपना एक नंबर होगा, पहला नंबर 45,000 का। हाँ, आपके कबूतर ने आपको जिता के दिया 45,000। उस टाइम में वो कब भी हमारे को आया, कब भी है क्या मतलब? तो देखिए व्यूअर्स, अभी हाल ही में हुआ था ये टूर्नामेंट 2019 में, इसमें जय सिंह भाई के कबूतरों ने उनको 45,000 रुपये जिता कर दिए थे। ये वो ट्रॉफी है, बहुत ही लाजवाब ट्रॉफी जय सिंह भाई के पास, और मेडल्स भी है उसके साथ साथ। तो चलो चलते हैं वो भी कबूतर देखते हैं और उनके लॉब के भी कबूतर को। जय सिंह भाई के लॉब के सारे मद्रासी और हाई फ्लायर्स कबूतर, ठीक से दिखाता हूँ। नहीं रुक रहे पेटी खोलने के बाद कबूतर एक जगह, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहे वो सारे हाई फ्लायर्स भी है इसमें, मकेरे, काले गजरे, जैक, मद्रासी। देखिए बहुत ही लाजवाब कबूतर जय सिंह भाई के। ये है क्या? ये अबलक नर। ये नर उड़ा था जय सिंह भाई ऐसा बोल रहे थे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत नर है, उसकी माँ भी उसके साथ में है। और कौन सा उड़ा था जय सिंह भाई? वो अकेला ही उड़ा था, बाद में उसके आगे फिर 2 बजे तक है ना, किधर गया नर? तो चलो चलते हैं उनके आंखों का शौक करते हैं। 2 बजे तक उड़े सुना रही ये हमारा। ये कौन सा नर है? सादा नर है मकेरा, 2 बजे तक उड़ा रहे। ये आपके पुराने नस्ल के कबूतर है? पुरानी नस्ल के सर। इसकी ये साल पुरानी की नस्ल है आपके पास की है? अभी ये मेरे कहने ये है ना, हाँ 20 साल हो गए। 20 साल से आपके पास है ये नर? हाँ। बहुत लाजवाब। तो चलो चलते हैं उनके आंखों का भी शौक करते हैं, दिखाओ आपके कबूतर एक एक करके मुझे। ये सब जिम्मी की नस्ल है। भाई का लॉब का ये पहला जोड़ा देखे भी बस, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा नजदीक लो जय सिंह भाई, दोनों के दोनों बहुत ही बेहतरीन जोड़ा ही है। क्या बता रहे थे जय सिंह भाई इनके बारे में? ये नर 1:17 तक उड़ा, 45,000 रुपये में यही नर जिता के दिया। यही नर था क्या? हाँ, ये भान भाई है दोनों। बहुत ही बढ़िया है। तो चलो उनके आँखों का शौक करते हैं दोस्तों। यही वो नर है, देखिए नर की आँखें बहुत ही बढ़िया और बहुत लाजवाब आँखें नर की। कपड़ों का भी शौक करें। गंगा जमुना में गए ये? नहीं, सादे में गए, गंगा जमुना साथे। बहुत ही बढ़िया। ये कौन सी नस्ल का कबूतर है? ये सादे है सभी। देखिए बस नर के पर पंजों का भी शौक करते हैं। ये रहे नर के पंजे, बहुत ही बढ़िया।
ये मादी का अभिषेक का, ये वो नर की मादा है दोस्तों। ये माला का दिया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही परों का भी शौक करो इसके। अरे माला के पर सब हाई फ्लायर से है ये कबूतर, ये हमारे घर के कबूतर है, पुरानी नस्ल है, पुरानी नस्ल है। कितने सालों से अभी कबूतरों का शौक कर रहे हैं आप जय सिंह भाई? तो दोस्तों ये दूसरा हाई फ्लायर जोड़ा है जय सिंह भाई के कबूतर लॉब का। जय सिंह भाई अभी मैं पूछ रहा था आप कितने सालों से कबूतरों का शौक कर रहे हैं? अभी एक के 40 साल हो गए। एक के 40 साल हो गए आप कबूतरों का शौक कर रहे? मैं 15 साल का था तब से मेरे को नाद है। तो जो आपके पहले कबूतर थे जो उड़े थे? हाँ, ये उसके अंदर की ब्रेड है। चलो इनके भी आंखों का शौक करते, बात तो चलती रहेंगे अपनी। बस ये सब्जे में आता नहीं है? सब्जे में आता है, ये पाव तोले का अंगठी जीत के दिया है मेरे को। आपको ये पाव तोला अंगठी ये नर जीता के दिया आपको? कुंटेना के प्रयास रखे थे हम। बहुत ही बड़े देखे विवश जय सिंह भाई बोल रहे हैं, इन्होंने इनको सोना भी जीता के दिया ये नर ने, और सच में नर सोने जैसा ही है। वो नस्ल आप जो बता रहे थे जय सिंह भाई, आप 40-45 साल से कबूतरों का शौक कर रहे हैं, वो नस्ल अभी भी बरकरार है आपकी पेटी में? ये वही नस्ल है, सब हमारे घर निकले हुए बच्चे हैं ये। हाँ हाँ हाँ। फिर इनके माँ बाप अभी है क्या? नहीं, फिर इनके माँ बाप नहीं है अभी, अभी बड़ा है ये, इनके बच्चे पीटे मादी का भी शौक करें इनके। तो दोस्तों ये अभी वो सब्जा नर दिखा था, ये उसकी मादा है। ये कौन सी मादा है? थोड़ा नीले में लग रहा है, नीली माद, नीली मादी। कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें कलर? इसमें पीटे सब्जे आते हैं। जो आप परों का भी शौक देखिए व्यूअर्स, मादा के पर पंजों का भी शौक करें। ये जय सिंह भाई का लॉब का तीसरा जोड़ा भी, बस देखे जरा जोड़े को, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा ये भी। ये कौन सा जोड़ा है? ये मखेरा है, काला मखेरा। हाँ, काले मखेरे। तो चलो इनके लाल भी आते इसके अंदर बच्चे, इसमें लाल बच्चे भी पड़ते हैं, बच्चे आते हैं इसके अंदर। तो चलो इनके भी आँखों का शौक करते हैं। देखे भी बस ये काला मखेरा है, बहुत ही खूबसूरत आँखें इसकी भी, आँखों में जो चमक नजर आ रही है। बहुत जरा परों का भी शौक करें इनके, थोड़ा परों पर लाल कलर भी आ रहा है इस पर। हाँ जैसे लाल लाल आता है इसमें, मकीरे के अंदर लाल आते बच्चे, लाल मकीरे ये सब यही भीड़ है। ये कब से आपके पास ये कबूतर? ये भी पुरानी है, ये पुरानी ही नस्ल है, ये सब पूरे बच्चे मादी का भी शौक निकले हुए है, पूरे बच्चे निकले हुए हैं ये। जरा उसकी मादी का भी शौक देखे बस, ये उसकी मादा है काली मकीरे, बहुत ही खूबसूरत मादा ये भी। ये परों का भी शौक, ये मादा के पर भी बस, इसमें भी थोड़ा थोड़ा लाल कलर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। इधर पंजों का भी शौक करें, एक ही झुलके है दोनों। देखिए ये मादा के पंजे, ये कौन सा नर है? ये मखेरा नर है, ये हमारे कहने 2 बजे तक उड़ेला है। 2 बजे तक उड़ा ये नर? हाँ, ये नर धूप में चत्ता तभी धूप में ही। हाँ, धूप में, भर धूप में 8 घंटा उड़ा ये नर। बड़े जरा आँखों का शौक कर रहे नर का। दोस्तों अभी जो ये बता रहे 8 घंटे, ये वो सोलापुर में धूप भी उतनी रहती है, 41-42 तक टेम्परेचर रहता है, वैसे गर्मी में ये कबूतर इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे जय सिंह भाई पास, बहुत ही बड़ी बात है ये सोलापुर के टेम्परे क्लाइमेट के हिसाब से। मई महीने में उड़ाऊँगा। हाँ, मई महीने में, तब तो बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता। नहीं 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 करता, इतनी धूप रहती सोलापुर में दोस्तों, बहुत ही लाजवाब इसके पर। ये कौन सा नर है जय सिंह भाई? ये मखीरा है, ये भी काला अभी जो दिखाई थे उसी का भाई है क्या? वही नस्ल है मखीरे दोस्तों, हाथ में भी नहीं रुक रहा है नर, बहुत ही बढ़िया नर है ये भी। ये सब इनके घर की पुरानी नस्ल है दोस्तों, ये जरा इसकी आँखों का भी शौक करें दोस्तों। ये देखो इसकी आँखें, बहुत ही लाजवाब, जब देख सको नहीं रुक रहा नर हाथ में, जब परों का भी शौक करें इसके।
इन्हीं के बच्चे इनको सब टूर्नामेंट जिता के दे रहे हैं। जाते नहीं यही ये जाते पंजों का भी शौक करो। इनके बच्चे एक भी फेल नहीं गए अभी? नहीं 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 गए। अभी हमारे कहने चार जोड़े का ये है नस्ल। जयसिंह भाई और एक बात, आप कबूतर सेल करते हैं क्या? हाँ? अगर हमारे व्यूवर्स को इसमें से कौन से कबूतर अगर पसंद आए, अगर वो आपको कॉल करके पूछेंगे तो आप दे देंगे वो उनके बच्चे? हाँ दे देंगे ना उसको। तो दोस्तों स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है जयसिंह भाई का नंबर है, अगर इसमें से आपको पुरानी नस्ल में से कौन से अगर बच्चे चाहिए होंगे तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ये नर की खूबसूरती देखिए, जरा जमाना ऐसे घुमा उसको देखिए, ये कम ही दिखते ऐसे कलर के कबूतर, बहुत ही लाजवाब। जो अभी नर छोड़े थे उसी का भाई, ये काले मकर में है वो बड़ा, लेकिन ये लाल पड़ा है उसमें। वो बड़ा है ये छोटा है, लाल पीटा बोलते हैं इसको? नहीं ये लाल गुलदार में आता है, लाल गुलदार में आता है ये, बहुत ही लाजवाब बहुत ही खूबसूरत कलर है नर का। ये भी अच्छा उड़ा है आपके पास? नहीं नहीं ये नहीं उड़ा है, इसके बच्चे उड़े हैं, इसके इनके बच्चे चाहे भी उड़ाने को, सब लाल बच्चे और एक भी बच्चा फेल नहीं इसमें का? नहीं 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 जाते फेल। देखिए इसकी चोच कितनी बारीक चोच है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब नस्ल उन्होंने संभाल के रखी है, 20 सालों से इनके पास है ये कबूतर सब हाई फ्लायर्स। अभी ये जयसिंह भाई कोयमुत्र का जो शौक कर रहे हैं आप, रखिए कोयमुत्र कबूतर वो तो देंगे, वो कब से चालू किया आपने कोयमुत्र संभाल पालने का? अभी वो एक 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों से, उससे पहले आपके पास सब हाई फ्लायर नहीं? वो कोयमुत्र नित्य हमारे कहने एक मादी लाकर वो भाई के लॉब के कोयमुत्र कबूतर 7 साल पहले उन्होंने कबूतर कोयमुत्र का शौक करने का शुरू किया है। हाँ। अभी बता रहे थे वो, ये तो वो टाइम का ही जोड़े के ये? हाँ तभी के जोड़े ये। हाँ कहाँ से लिए थे ये? ये नहीं हम एक नर पकड़ा था, एक कोयमुत्र नर, कोयमुत्र नर, वो नर पकड़ने की वजह से आपको कोयमुत्र का शौक लगा? शौक लगा ये, एक मादी लगा कर ये बच्चे निकाले, ये बच्चे उड़ने लगे हमारे गने। मादी कहाँ की है ये? एक डेढ़ नहीं निकले लाए घर के चाहिए, घर की नस्ल है ये, इनके माँ बाप गुजर। तो चलो इनके जरा आँखों का भी शौक करते हैं। देखिए व्यूअर्स ये मद्रासी नर जयसिंह भाई के लॉब का, बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत नर है ये भी, इसके हाथ में भी नहीं रुक रहा ये नर, देखिए इसकी आँखें बहुत ही लाजवाब आँखें इसकी, बहुत ही बढ़िया, जरा परों का भी शौक करे इसके। ये कब्रे में आता है शायद? हाँ अंजीरा, अंजीरा हाँ, बहुत ही बढ़िया पर इसके, तो पंजों का भी शौक करा इसके। देखिए व्यवस्थ नर के पंजे काफ़ी खुश्क पंजे हैं इसके भी, बहुत ही बढ़िया। जब मादी का भी शौक करा इसके, जो अभी नर दिखाए तो दोस्तों ये उसकी मादा है, देखिए इसकी भी आके बहुत ही बड़े बहुत ही लाजवाब आके इसकी भी, जब पंजों का भी शौक करा इसके, देखिए व्यवस्थ मादा के ऊपर बहुत ही लाजवाब, जरा पंजों का भी शौक करो। देखिए व्यवस्थित मादा के पंजे दोस्तों, अभी जो दिखाए थे जोड़ा ये उन्हीं में के बच्चे ना जयसिंह भाई? हाँ उन्हीं में के बच्चे, बहुत ही लाजवाब बच्चे, एक ही खानदानी है वो दोनों का, बहुत ही बड़े, जरा इनकी भी आँखों का शौक करते हैं। देखिए व्यवस्थ ये भी नर बहुत ही खूबसूरत है, इसकी भी आँखें देखिए बहुत ही लाजवाब आके इसके भी, क्या है ये नर के बारे में जयसिंह भाई? ये नर दो तीन तीन बजे तक नहीं उतरता, अकेला ही खेलता है क्या? हाँ अकेला ही खेलता है वो, हमारे टूर्नामेंट के टाइम में एक दफा निकल कर जाकर दूसरी जगह बैठ गया वो, तब से इसको कहीं करके फेंक डाले हम, इसको उड़ाते नहीं हम, क्यों गद्दार किया क्या आपके? हाँ नहीं तो रोज का रिजल्ट हमारे को बराबर दे देता है, बहुत ही लाजवाब है ये भी, जरा इसकी मादा का भी शौक करो। तो व्यूअर्स ये उसकी मादा है, देखिए मादा की भी आँखें और आँखों की खूबसूरती बहुत ही बढ़िया, ये भी जोड़ा परों का भी शौक करो। ये मादी के बारे में क्या बता? ये मादी हम बचपन से इसको कहीं चीज़ें खेले, उड़ाए नहीं, नहीं उड़ाए इसको बच्चे को निकालने के लिए बोलकर, और बच्चा एक फैल जाता नहीं, उड़ता है बच्चा, इसके बच्चे उड़ते ही आपके पास बचपन से ही आपने इसको कैंच पर रखा है? हाँ आपको मालूम था इसमें के बच्चे उड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये जयसिंह भाई के लॉब का तीसरा जोड़ा कोयमुत्तूर का, इसके बारे में क्या बता रहे थे जयसिंह भाई? इसके बच्चे रिजल्ट अच्छा देते, अच्छा उड़ते बच्चे। हाँ ये कौन सा नर है? ये कबरा नर है, कबरा नर और सब्जी मादी, सब्जी मादी, इसमें बच्चा फेल जाता नहीं। हाँ चलो तो इनकी भी आँखों का शौक करते। देखिए बस नर बहुत ही खूबसूरत है नर ये भी,
ये अपने घर का ही नर है क्या जैसी भाई? नहीं नहीं, ये बच्चे थे बारी का। हाँ? मैं तभी 4000 में लिया हूँ। किसके पास से? ये अमूल गणेश। अमूल 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 गणेश से 4000 में ये बच्चे की जोड़ लाया था। मैं दो छोटे बच्चे लाए थे। हाँ? 4000 रुपये में। अमोल भाई का भी वीडियो बनाए थे हम लोगों ने, आपने देखा था कि उनका भी वीडियो? नहीं देखा मैं उनका। उनका भी कबूतरों का शौक किया है हमने जाकर, उनके पास भी अच्छे कबूतर है। और इसकी मादा का भी शौक करा दोस्तों, ये उसकी मादा है, देखिए मादा भी। अभी मैं इसके बच्चे है ना एक एक का, हाँ 2500-3000 में एक बच्चा देता, नहीं तो देता नहीं मैं किसी को। इतना अच्छा रिजल्ट है बच्चों का। इतना अच्छा रिजल्ट है इनका, देखिए इसके ऊपर। हमारे इधर कुमटेना के वाले लेकर गए वो देख कर। कैसे कलर के बच्चे पढ़ते हैं इसमें? इसमें कब्रे सब्जे पाए मुझे लाते जानवर। बढ़िया ये देखिए उसमें माता की पंजे। तो ये जयसिंह भाई के लॉब के सारे कबूतर। जयसिंह भाई कितने रहेंगे ये टोटल? 90 कबूतर है ऐसा बोल रहे हैं जयसिंह भाई। इसमें हाई फ्लैश भी है, मद्रासी भी है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही बढ़िया कबूतर है। अगर इसमें से आपको कौन से कबूतर पसंद आए तो आप जयसिंह भाई को कॉल करके पूछ सकते हैं। जयसिंह भाई का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों और जयसिंह भाई के साथ फिर से बात करते हैं। जयसिंह भाई आपके हाई फ्लायर सादे कबूतर और मद्रासी कबूतरों का शौक करके तो होगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी नस्ल आपने संभाल के रखी है। और कुछ बोलना चाहेंगे कबूतरों के बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो कईमतुरु जो बोलते हैं, हाँ वो अमजद भाई आने से, हाँ जरा कबूतरों वालों के इसके अंदर जरा उत्साह भर गया। वो पहलवान की कैसा आंग में जरा उत्साह हो जाता ना, अवसर हो गया है अमजद भाई के, अमजद भाई की वजह से। हाँ तो कबूतर का शौक जरा थोड़ा डल हो गया था। हाँ अमजद भाई आकर जरा थोड़ा इधर उधर से कबूतर लाकर उन एक मुकाम पर अभी बहुत अच्छे मुकाम पर है। उनके तो सब कबूतर लाजवाब ही है, उनके कबूतरों का जवाब ही नहीं है। नहीं नहीं हम जानवर जो भी रहें दो, हम देखे तो बोलते हैं हम। हाँ क्या क्वालिटी में भी है जानवर उनके, हम नहीं करके बोलते हैं। और कबूतर के संभाल के बारे में, देखभाल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखभाल क्या, हम दो टाइम कबूतर छोड़ते हैं, उनका देख रेख जो भी दवा पानी जो भी है, हाँ वो हम खुद करते हैं दो टाइम छोड़कर। हाँ 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 हम जान से ज़्यादा ये जानवर को हम देखते हैं। हाँ 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 और ये बाजू में जो सब ईट बीट दिख रही है, आपका बिजनेस है क्या जयसिंह भाई? हाँ ये हमारा बिजनेस है। वो देख कर आप सब ये कबूतर का भी संभाल कर रहे हैं? ईट भट्टी है इधर पर, लक्ष्मी सप्लायर है। हाँ हाँ देखिए बस इनका ये बिजनेस भी है। हाँ और वो सब देख कर ही आप ये कबूतरों का शौक भी कर रहे हैं? हाँ करते हैं हम। बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह इसी देखभाल करते रहेंगे तो आपको कबूतर और अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। हाँ शुक्रिया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा हुआ जयसिंह भाई, थैंक यू। हमारे चैनल के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं मैं तो इतना बोलूँगा जो अमजद भाई जो भी यूट्यूब पे उसमें डाल रहे हैं, ये हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो चैनल थ्रू जो काम कर रहे हैं। हाँ जो चैनल काम कर रहा है ये बहुत एकता से और कबूतर वालों के अंदर एक उत्साह भर देता हूँ, उत्साह भर रहा है कबूतर वालों के। हाँ ये सब तुम जो भी कर रहे हैं वो बहुत ठीक है और हमारे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जयसिंह भाई, थैंक। और हमारे चैनल के बोल दो कुछ तो, लाइक करो सब्सक्राइब। हाँ सब ये चैनल को हर कबूतर वाला सब्सक्राइब करना। हाँ हाँ चलेगा, थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और भी अच्छे अच्छे वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। चलो चलते हैं, बाय। ओके बाय।